गाजीपुर बॉर्डर खाली हो चुका, मतलब अभी एक दो दिन में पूरी तरीके से खाली हो जाएगा, बाकी बॉर्डर्स भी खाली हो रहे हैं। गुरनाम सिंह चढ़ूनी चले पंजाब, वहां चुनाव प्रचार करेंगे। यहां राकेश टिकैत ये किसान महापंचायत कर रहे हैं या चुनाव प्रचार में उतर रहे हैं, पहले ये बता दीजिए। शामली से ही बोल रहा हूं, शामली जनपद में ही कैराना आता है जी, और शामली से उसकी दूरी 12 किलोमीटर है, और कैराना से 3 किलोमीटर दूरी पर यमुना जी है, और उसके बाद हरियाणा शुरू हो जाता है। ये एकदम बॉर्डर पर है, और ये पंचायत बहुत पहले से रखी गई थी, ये डेट करीब 1-1.5 महीने पहले फाइनल हो गई थी। आज यहाँ पर किसान जुटेंगे, किसान के साथ साथ जो हमारी खाप पंचायतें हैं उनके सारे चौधरी भी वहां पर पहुंचेंगे। और आंदोलन की सफलता के बाद राकेश टिकैत पहली बार उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं, तो उनका स्वागत होगा, उनके स्वागत का कार्यक्रम इसमें, तो मतलब ये स्वागत का कार्यक्रम है, ये स्वागत का कार्यक्रम है, या फिर चूंकि यूपी चुनाव है ये एक पॉलिटिकल कार्यक्रम है, क्योंकि इसमें जो एजेंडा सेट है वो है बकाया भुगतान गन्ने का और बिजली का भुगतान, बिजली बिल। इसमें पहले उनका स्वागत होगा, सभी खाप पंचायतें स्वागत करेंगी, किसान स्वागत करेंगे, और उसके बाद गन्ना भुगतान, आवारा पशु जो सबसे बड़ी समस्या उत्तर प्रदेश में है, जो किसान फसल बोते हैं बोने के साथ ही उनको चरना मतलब, शुरू कर देते हैं, मतलब एजेंडा साफ हो चुका है, मतलब एजेंडा साफ हो चुका है। अब चूंकि यहाँ पर आंदोलन खत्म हो गया, तो अब यूपी में घूम करके वो बीजेपी गवर्नमेंट के खिलाफ, नहीं नहीं बीजेपी गवर्नमेंट के खिलाफ प्रचार करेगा। अब ये मत बोलिएगा कि साहब एंकर साहब आप बीजेपी का पक्ष ले रहे हैं, मैं सिर्फ ये पूछना चाह रहा हूं। बिल्कुल हक है सर, तमाम संगठनों को हक है जिसके पक्ष में प्रचार करे, जिसके खिलाफ में प्रचार करे, सर ये डेमोक्रेसी है सर। स्वागत है सबका, स्वागत है सब विचारधाराओं का, स्वागत है सबका, स्वागत है। मैं जयराम विप्लव आपसे पूछ रहा हूं, अब देखिए किसान संगठन अब निकल चुके हैं बॉर्डर छोड़कर के, अब यूपी में एंट्री हुई है, अब यूपी में बीजेपी के खिलाफ अब ये बड़ा मंच तैयार हो रहा है। मैं एक सवाल समझना चाहूंगा, क्या इस बार के 2022 के विधानसभा चुनाव में ये किसानों का मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा हो रहा है? बिल्कुल, नाकामी की वजह से, इनके झूठे वादों की वजह से। मैं आ रहा हूं ऋषि जी, पहले जयराम विप्लव। हाँ प्रत्युष जी, देखिए कई आंदोलन इस देश में हुए हैं और अक्सर ये देखा गया है, आंदोलन तो किसानों को मुद्दों को लेकर के होता है, उसका तात्कालिक समाधान नहीं निकलता या कुछ ना कुछ उसका रास्ता निकल जाता है, लेकिन उसके बाद किसानों को तो सब कुछ मिल गया, लेकिन जो उनके नाम पर जिन लोगों ने नेतृत्व किया, जो लोग राजनीति कर रहे थे, जयराम जी ये बताइए क्या मिला? बीच में 14 दिन में गन्ने का भुगतान करेंगे, पिछले वर्ष का 4,448 करोड़ बकाया है, इस वर्ष का 10,000 से ऊपर हो चुका है 14 दिन में। माननीय प्रधानमंत्री ने खुद कहा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 22 रैलियों में कहा, क्या उस बात पर एग्री करते हो या नहीं करते हो? ओके, तो मैं बोलूं, नहीं तो मैं चुपचाप सुनता हूं इनको। धन्यवाद। बिल्कुल सुनिए आप, ऐसा है आपने जो वादे किए थे वो वादे पूरे नहीं हुए, किसान उसको उठा रहा है, तो आज आपको दिक्कत। समित मलिक साहब क्लियर हो गया, यूपी में किसानों की जो समस्या है उसको राकेश टिकैत यहाँ पर उठाएंगे, अब इसे कोई पॉलिटिकल एजेंडा कहे या कुछ और, लेकिन ये मुद्दा उठेगा। जयराम विप्लव जल्दी से रिएक्ट करें, बाकी मेहमानों के पास भी मुझे जाना है। देखिए प्रत्युष जी, मेरा साफ कहना है, अब ये मुद्दे की बात कर रहे हैं ना, हर आंदोलन के बाद बाय प्रोडक्ट के रूप में कुछ ना कुछ पॉलिटिक्स होती है। लोगों ने देखा अन्ना आंदोलन के बाद कैसे केजरीवाल मुख्यमंत्री बन गए, अब यहाँ भी कुछ लोगों को चाहत होगी ऐसी, तो उनका भी स्वागत है, लोकतंत्र में दो दो हाथ करें, जनता जिसको आशीर्वाद देगी वो सरकार चलाएगा, वो सेवा करेगा उनका। और हम तो वो कह रहे हैं जो आपने वादे किए थे, क्या आपको वादे दिलाना आप गलत है? अरे अपने फसल का भुगतान मांगना क्या गलत बात है? अपनी फसल का हम भुगतान ना मांगे, मतलब आपको हम कर्ज देंगे, लेकिन जो अपना पैसा है वो जो मर्जी का बात है, आपने 14 दिन का वादा किया था किसान अपने अपने कितना भुगतान किया है, अगर इसको ज्यादा करना माफी मांगी थी, और ये बताएं कि 2000 बचाने के लिए कपिल श्रीवास्तव को भी लाइए स्क्रीन पर, 2000
कपिल श्रीवास्तव जी, कपिल श्रीवास्तव जी, राकेश टिकैत समाजवादी पार्टी और आरएलडी की मुश्किलें आसान नहीं कर रहे। पहली चीज तो हम ये बता दें कि जो ये जीत हुई है राकेश टिकैत जी का बड़ा योगदान रहा है और ये किसानों का आंदोलन रहा है। किसानों ने जो फैसले लिए हम सारे लोग उनके साथ थे, चाहे वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लोग। यहाँ तक कि तो सुनने में ये भी आता था कि भाजपा के लोग रात में जाते थे, अब वो जो कुछ भी हो विप्लव जी बताएंगे, लेकिन हकीकत यही है कि अगर आज उनका स्वागत उन्होंने काम भी किया है और जो वो समस्या उठा रहे हैं वो देश की समस्या, उत्तर प्रदेश की समस्या है, क्या किसान उत्तर प्रदेश, इसीलिए मैं समझना चाह रहा हूँ कपिल जी आपसे, आपने कहा कि जो समस्या उठा रहे हैं वो उत्तर प्रदेश की समस्या है, इसीलिए मैं समझना चाह रहा हूँ आरएलडी और समाजवादी पार्टी की मुश्किलें आसान नहीं कर रहे हैं राकेश टिकैत, आप ही के एजेंडे को वो उठा रहे हैं। अच्छी बात है ना, तो मान लीजिए ना कि आपके पॉलिटिकल अलाई है वो।